तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरती'स क्रिएटिव वर्ल्ड में। इस झटपट मटकी बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 kg मैदा, पानी, ऑयल, नमक और अजवाइन। मैदे में हम डालेंगे 1.5 teaspoon नमक और 1 teaspoon अजवाइन। मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके ऑयल का मोयन लगाएंगे। इस टेबल स्पून से मैंने 3 tablespoon ऑयल डाला है। मोयन लड्डू जितना बंधने वाला होना चाहिए। इस तरह से। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट आटा गूंथेंगे। इसको ढककर 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। दो सेट हो गया है, इसे अच्छे से मसल कर चिकना करेंगे और रोल करके 4-5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक भाग को लेकर इस तरह से बेलेंगे। बहुत मोटा भी नहीं बेलना है और एकदम पतला भी नहीं बेलना है और डो ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, नहीं तो बहुत बड़े बड़े बनेंगे। पूरे में ऑयल लगाएंगे। ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे। रोल करेंगे। अब नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अब बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए इस रोल को बेलना है, मतलब कि जिस तरह से कट किया है उसी डायरेक्शन में बेलना है। बेलन को एकदम हल्के हाथों से चलाते हुए थोड़ा सा ही लंबाई में बेलना है। अब मैं तो एक साथ सारे बेल के रख रही हूँ, आप चाहे तो एक एक बैच को बेलते जाएं और तलते जाएं। अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और शुरू में तेज आंच पर इनको डालकर कलछी से अच्छे से हिलाएंगे। जिससे इनकी लेयर अलग अलग हो जाएगी। अब फ्लेम को लो करके धीमे धीमे हल्का गुलाबी होने तक तलेंगे और निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार से मैं दूसरा बैच भी सेक रही हूँ। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि एक हाथ से हम ऑयल में डालते जाएं और दूसरे हाथ से कलछी से इस प्रकार से हिलाते जाएं। इस प्रकार से करने से हर एक मटरी फूली फूली और खिली खिली लेयर वाली बनेगी। इसी तरह सभी को शुरू में फुल फ्लेम पर और बाद में लो फ्लेम पर हल्का गुलाबी तल कर निकाल लेंगे। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बहुत ही झटपट, देखने में सुंदर और खाने में क्रिस्पी ये मटकी बनकर तैयार होती है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। क्यों जी, है ना एकदम झटपट और सिंपल।